अभी हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार एसआई का रिजल्ट जारी कर दिया है। हर ज़िले से लगभग कुछ ना कुछ बच्चे अपने मेहनत के दम पे कहीं ना कहीं सेट हो गए हैं, या कहिए कि उत्तीर्ण हो गए हैं, और कुछ ही दिनों में दरोगा के ट्रेनिंग लेना शुरू कर देंगे। ऐसा हर ज़िले में कोई ना कोई संस्थान है जो दरोगा की तैयारी कराता है या तमाम चीज़ों की तैयारी कराता है। ऐसे ही हम अभी जो खड़े हैं जिस स्थल पर, वो सासाराम का इंडेवर क्लासेज है। यहाँ भी दरोगा की तैयारी कराई जाती है और यहाँ से लगभग 41 छात्रों ने दरोगा के लिए चयन हुआ उनका, और आज उनमें से कुछ छात्र जो है यहाँ उपस्थित भी हैं, चूँकि इंडेवर क्लासेज के द्वारा सम्मान समारोह आयोजन किया गया है। लेकिन परिस्थिति ऐसा है, मौसम बरसात का है, कुछ लोग सर बता रहे थे कि ससुराल में रहते हैं, चूँकि बहुत लोगों का शादी ब्याह हो गया तो नहीं आ सके हैं। लेकिन जो लोग आए हैं उनसे भी पूछेंगे और जानेंगे कि कैसे वो प्रिपेयर कर रहे थे और कैसे कितना मेहनत कर रहे थे। सर भी हैं, चूँकि सर ही के मार्गदर्शन में 41 बच्चे जो हैं वो बिहार में दरोगा का पदभार ग्रहण करेंगे और बिहार की सेवा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गौरव कुमार सिंह है। कैसे कर लेते हैं सर? बस लड़कों का मेहनत है, इट्स लाइक अ मैजिक सर। सर एक साथ 41 बच्चों का आप दरोगा बना देते हैं, हो जाता है। लड़के मेहनत करेंगे सबको निकल जाएगा, ऐसा क्या है? मेहनत ठीक है, मेहनत तो हम ही लोगों को करना होता है। आपका जो गाइडेंस है, टीचर एक गाइड, तैयारी बहुत लोग कराते हैं सर, कोई दो चार रिजल्ट पे भी खुश है, और आप 41 रिजल्ट दे के ऐसे नॉर्मल से मुस्कान भी कर। बस मेरा एक मुझे अच्छा नंबर कह लीजिए, डबल डिजिट का नंबर है और अच्छा नंबर है, इतना कैसे मैजिक? मुझे लगता है कि एक टीचर जो है एक अच्छा गाइड कर सकता है, और सारे मेहनत बच्चों का होता है और उस मेहनत करने के लिए बहुत काफ़ी प्रयास होता है, और ये जो टीम वर्क की तरह काम होता है दोनों तरफ से होता है। क्या यूनिक कराते हैं आप अपने कोचिंग में? अब तो ये बच्चे ही बताएंगे कि बच्चे बता। क्या यूनिक करता हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं जैसा पढ़ाता हूँ वैसा ही पढ़ाता हूँ सर। अब थोड़ा गोल की तरफ मैं फोकस रखता हूँ। साथ में एक एक साल अगर 50-50 लोगों को दरोगा बनाइएगा तो आने वाले 2-4 साल में पता चलेगा कि बिहार के हर थाने में आप ही के बच्चे पदस्थापित हैं। हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कितने सालों से सर ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं आप? पिछले बार भी हमारे यहाँ से 25-30 रिजल्ट हुए थे। 25-30 हो गया, इस बार मिला के 75 थानों में आपके बच्चे हो गए। हाँ हो जाएंगे, उसमें से बहुत सारे बच्चे जो हमारे पिछले बार में कुछ फिजिकल में छट गए थे, कुछ आपके फाइनल मेरिट में छट गए थे। दरोगा वाला एग्जाम जो इतना स्टेप में है कि करते करते तो बच्चे भी थक जाते। इस बार जो पिछले बार जो छटे थे वो लोग भी सफल हो पाए, और इसमें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी, 18 लड़कियाँ हमारी इसमें हुई थी। लेकिन पिछले बार वाले में से बहुत सारी लड़कियाँ जो नहीं हो पाया, तो उनके शादी ब्याह हो गया, वो अपने ससुराल में हो गई थी, लेकिन फ़ोन के माध्यम से जुड़ी हुई थी और वो सफल हुई हैं, और वो आज के दिन बुलाना था लेकिन जो है किस कारणवश नहीं आ पाई। बच्चे भी बहुत सारे जो नहीं आ पाए। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, 41 लोगों का आप सेलेक्ट किए हैं, कम से कम सब लोगों को बुला के एक सम्मान समारोह। हाँ, उसके लिए भी जो वितरण नहीं भी हुए हैं वो भी रहते तो शायद प्रेरणा ले रहे होते, तो वो जो है उसके लिए प्लान किए हुए हैं हम कि एक दिन सबको जुटा लें, भोज उज का आयोजन करके आपको याद किया जाएगा। हम लोग एकदम आप ही के सेवा में हाजिर हैं। कुछ भाई भी हैं और कुछ बहनें भी हैं, दरोगा जी लोग हैं, याद रखिएगा, थोड़ा सा संयम से बतियाना पड़ेगा आगे के बाद, क्योंकि थाना में जाने के बाद ना दरोगा जी लोग का जो वो जो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रुतबा, आदमी डर जाता है, बतियाएगा तुम। क्या नाम हुआ भैया? दीपक कुमार। दीपक कुमार कहाँ से आते हैं? हम तो कैमूर जिला से। कैमूर जिला से आते हैं। यहाँ कैसे प्रिपेयर कर रहे थे सर? यहाँ हम यहीं पर आते। कितने सालों से यहाँ प्रिपेयर? यहाँ 5 साल से। 5 साल से यहाँ पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, तब जाके आज फाइनली दरोगा हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। बाबूजी खुश भाई ना? हाँ सब ठीक। अब ब्याह हो जाएगी। क्या नाम है? अजय कुमार। कहाँ घर हुआ? रोहतास घर है मेरा। रोहतासगढ़? हाँ किला रोहतास। मैंने सुदूरवर्ती प्रखंड है रोहतास जिले का, जाने में भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप ससुराल में रह के सिर्फ तैयारी करते थे? जी जी, तैयारी करते थे यहाँ पर आकर के। कैसे मतलब, पहला अटेम्प्ट है और मेरा सेकंड अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था। फिजिकल नहीं हो पाया, छोड़ गया था एक सेकंड। आदमी एक स्टेप फेल होता है तभी सीखता है कि अगला क्या बढ़िया करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे रोहतास प्रखंड से महाराज, वहाँ जाने में भी आदमी सोचता है वहाँ दरोगा होगा। बिल्कुल, तो पूरा गाँव में जश्न हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जश्न तो हो रहा है। मतलब ब्याह हुआ जल्दी करिएगा। देखिए कुछ बहनें भी हैं जो अब दरोगा हो गई हैं, चूँकि हम लोग पहले जब बाहर जाते थे और दूसरे स्टेट के पुलिस में जब महिलाओं को देखते थे तो कहते थे इंशाल्लाह ये महिला भी दरोगा हो सकती है। लेकिन कुछ सालों से बिहार में ऐसा चमत्कार हो रहा है, हर साल आप अब तो हर थानों में देखिएगा कि एक महिला दरोगा जरूर रहती है, और हमारी ये बहनें भी हैं, आप कुछ दिन में ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं ना कहीं किसी थाने में जरूर पदस्थापित होंगी और हमारी सेवा करेंगी।
क्या नाम है आपका? पिंकी कुमारी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो नौकरी मिलने से पहले ही शादी कर दिया लोग। हाँ, मैंने अब बाद में होता था शायद कुछ और अच्छा मिल जाता। नहीं। कैसा मतलब घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं? घर वाले का सबसे पहले मेरे जन्म देने वाले माता पिता हैं, हमको स्टार्टिंग से सासाराम में मतलब रख के पढ़ाई लिखाई। उसके बाद शादी के बाद भी हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला, ससुराल वाले का पूरा सपोर्ट मिला, अभी भी यहीं पर रहकर तैयारी किए हैं। क्योंकि सब लोग तो मेहनत किया ही होगा, मेहनत के बल पे ही दरोगा बना होगा, ये पूछना बेकार हो जाएगा कि कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, सब अपने हिसाब से पढ़ता है, सबका अपना अपना लक होता है। आप सब लोग कैसा महसूस कर रही हैं? अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि परिवार का भी सपना पूरा हो गया ना। आप कब से मुस्कुरा रही हैं? जल्दा जल्दी है दरोगा बने। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ट्रेनिंग रोनिंग तब शुरू हो जाएगा? हाँ, कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। क्या सोची है, कैसे लोगों की सेवा करेंगे? महिला सशक्तिकरण ज़्यादा काम करोगे? महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा काम जी, और लाइन एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान। कुछ लोग, कुछ दरोगा जी लोग आ जाते हैं सशक्तिकरण के नाम पर, कुछ ज़्यादा ही चाप चलाने लगते हैं। ऐसा नहीं होगा। हम लोग चूँकि वाकई जो यथास्थिति जो सामान्य स्थिति है नजदीक थानों की वो बयान कर, मेरे को नाम मैं वही बस बता रही हूँ। जो आप करिएगा वो बता रही है। आप कैसे सेवा करना चाहते हैं? हम पहले महिला सशक्ति भी करेंगे, बाकी जो गरीब परिवार से हैं जो मेरे सपोर्टिव में होगा मैं उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी, इसलिए क्योंकि मैं खुद गरीब परिवार से हूँ और ज़्यादातर ऐसे देखते हैं कि बहुत सारी आते आते सब लोग गरीब परिवार से ही हैं और 40-50 हज़ार के सैलरी में 2-4 करोड़ का प्रॉपर्टी हो जाता है। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बहरहाल यथास्थिति जो एक्चुअल स्थिति है वो इस बिहार के सिस्टम का वो मैं बता रहा हूँ। बिहार का सिस्टम इस तरह से बनाया गया, हमको जो जो दिखाया गया जो रियलिटी में है जो नहीं है। आपके अंदर इतनी अच्छी इच्छा शक्ति है, इतना ईमानदार आप लोग सोच लेके चले हैं। मान लीजिए 5 ही लोग अगर इस तरह से स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है यहाँ के 41 बच्चे अगर ईमानदारी से काम करना स्टार्ट करें तो शायद बिहार बदलना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, हम लोग दोस्तों से बतिया लीजिएगा, सब लोग ईमानदारी से काम जी जरूर कर सकते हैं। चलिए, सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे, हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि ये लोग जब थाने में पदस्थापित होंगे तो हम लोग जाके क्रॉस चेक करेंगे कौन कौन ईमानदारी से काम कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।